मोबाइल स्क्रीन पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेबसाइट खुली हुई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्योंकि करंट अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पे आप मेन्यू बार के सेक्शंस में जाके यहाँ पे अकाउंट्स के सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। लेकिन हमें क्योंकि यहाँ पे अपना करंट अकाउंट खोलना है तो हमें करंट अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट अकाउंट का वेब पोर्टल आ चुका है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने पर्सनल लोन या फिर सेविंग्स अकाउंट वगैरह अगर वीडियो देखी होगी तो आपको एक चीज़ पता चली होगी कि वहाँ पे जितने भी वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन थी या फिर जो भी आपके स्टेप्स थे या जो भी प्रोसेस थे वो सारे के सारे अप्लाई करने के जो ऑप्शंस थे वो आपको पर्सनल लोन में या फिर सेविंग्स अकाउंट के केस में भी, जो इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट था उसके अंदर आप योनो SBI के थ्रू कर सकते थे, क्योंकि उसके अंदर फीचर ही वही मिलता है कि आप न्यू टू SBI में जाके आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। तो क्या ये फीचर आपको करंट अकाउंट के भी केस में देखने को मिलता है? क्योंकि करंट अकाउंट के केस में भी यहाँ पर जो आपको सेक्शन है वो अप्लाई नाउ का मिलता है, जो कि साफ इंडिकेट करता है कि ये आपका ऑनलाइन भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे कि कैसे आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना चालू खाता खोल सकते हो, वो भी कुछ ही समय के अंदर। और यहाँ पे अगर ऑनलाइन प्रोसेस काम नहीं करता है कभी कभी बाई चांस, अगर सपोज करो कि मे बी अगर ना हो, तो सेकंड स्टेप यानी सेकंड हमारे पास जो प्रोसेस है या ऑप्शन रहेगा वो रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू। उसके थ्रू तो आपने या फिर बहुत सारे लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने अपना करंट अकाउंट खुलवाया होगा। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू लोन पाव यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसी के ऊपर, तो सबसे पहले वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है आप लोगों ने। और मैं पहले बता दूं, चालू खाता बेसिकली बिजनेस ऑपरेट करने वाले जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो ऑब्वियसली इस अकाउंट को खुलवा कर रखते हैं। हालांकि इस अकाउंट को खोलने में मतलब जो फीचर्स और सर्विसेज की मैं बात करता हूँ वो थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू सेविंग्स अकाउंट जो इंटरेस्ट कमाता है वो करंट अकाउंट के केस में नहीं होता है। आप कभी भी देखना करंट अकाउंट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है जल्दी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो करंट अकाउंट को बेसिकली जो भी बंदा ओपन करना चाहता है वो इंडिविजुअली ना किसी तरीके से बिजनेस एंटिटी से जुड़ा होना चाहिए। और ये क्यों होगा ये आपको आगे चल के पता चल जाएगा। और वीडियो के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी करंट अकाउंट खोलने के लिए क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, और फाइनल स्टेप की कैसे आपको अप्लाई करना है, इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। साथ ही में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हम इंस्टेंट वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब और नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है। यहाँ पे आपको लिखना सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही आप लोगों को अपना चालू खाता क्यों खोलना है कमेंट्स में हमें लिख के जरूर बताएं। अभी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों की सर से ऊपर से आ रही चीज़ है क्योंकि उनको बेसिक बातें नहीं पता है इसकी, तो उनको भी बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हर एक छोटी से छोटी बारीक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्टेप्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो फॉलो जरूर करना। ये वीडियो है, वीडियो जैसे टाइटल पे करना है क्लिक, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा आप लोगों के सामने। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी पहली वेबसाइट लिंक, जिसपे आपको सिंपली करना होगा टैप। अब मैं पहले ये चीज़ को क्लियर आउट कर दूं कि यहाँ पे जो वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन हो रही है, ये वेबसाइट आपका जो है सिंपली तरीके से सक्सेसफुली अगर ओपन हो जाता है, सफलतापूर्वक खुल जाता है, तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है। और फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के साथ ही आपको उसी वेबसाइट पे रहना है, उस वेबसाइट के पेज से हटना नहीं है, उस पेज को छोड़ना नहीं है, ब्राउजर को बंद नहीं करना। क्यों नहीं करना वो मैं रीज़न आगे चल बताऊंगा। और सबसे मेन बात कि अगर आपका स्टेप नंबर 1 सक्सेसफुली कंप्लीट होता है तो सेकंड स्टेप का फॉलो नहीं भी करोगे तो काम चलेगा। वैसे मैं ऑल्टरनेट के लिए सेकंड स्टेप बता दूं तो आपके फोन में जो भी कोई ब्राउजर है उसको सिंपली आप लोगों ने ओपन करना है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि मित्र आप भी क्रोम ब्राउजर यूज़ करते हो या अनदर किसी ब्राउजर को प्रेफर करते हो। देन इसके बाद आपको सर्च के ऑप्शन में जाना है। सर्च के ऑप्शन जाने के बाद यहाँ पे सिंपली कीवर्ड को सर्च करना है। कीवर्ड का नाम है loanpower.in, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये जो कीवर्ड जो आप देख रहे हो loanpower.in करके, सिंपली आपको इस कीवर्ड को एज इट इज़ सर्च करना होगा। कैसे? एज इट इज़, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग गलतियाँ करते हो तो किसी ना किसी गलत प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकते हो। तो loanpower.in लिख लेना है। देन यहाँ पे आपके सामने जो स्टॉप पे रिजल्ट देखने को मिल रहा है सिंपली इस वेबसाइट पे टैप कर देना है। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ कि पहले तो आपको कीवर्ड से लिखना है, और कीवर्ड से लिखने के बाद भी हो सकता है कि साइट आपको टॉप पे ना मिले, यानी कि पहले पेज पे ना मिले, तो पहले बता दो उस पर कुछ एड्स वगैरह आएगी, या तो आप रिफ्रेश कर सकते हो या तो आप इस साइट को देख लो, ये साइट की पहचान इसके लोगों से है, टाइटल से है, पहचान सकते हो। सिंपली साइट पर कर देना है आप लोगों ने टैप। क्लिक करने के साथ ही loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग सामने खुल जाएगी। और क्योंकि loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने खुल जाएगी तो यहाँ पे अब आपको लोन कैसे या फिर इसके अलावा करंट अकाउंट कैसे ओपन करना है, इस सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूँ, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 थोड़ा सा सिमिलर की पूरे सिमिलर लग रहा होगा, और इसका रीजन भी है। स्टेप नंबर 1 अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, जितने भी व्यूवर्स हैं देख रहे हैं, अगर स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया आप सीधा वेबसाइट पर पहुंच जाते हो तो सेकंड स्टेप फॉलो मत करना, मैं सीधी बात कह रहा हूँ। सेकंड स्टेप उनके लिए है कि कभी कभी एक ऑल्टरनेट होना जरूरी हो जाता है। हर बार वेबसाइट लिंक पर ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से हो सकता है कि उसका जो रिस्पॉन्स है वो टू लॉन्ग हो जाए, तो टाइम नहीं देना है। वैसे भी आपको पता है कि पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों पर टाइम देना जरूरी है, तो अगर वेबसाइट आपकी वेबसाइट लिंक से कभी कभी ना खुल पाए तो आप एक बार सेकंड स्टेप में आप जो है क्रोम ब्राउजर के थ्रू खुद मैनुअली सर्च करके उसको खोलने की जरूर कोशिश करें। अक्सर लिंक रिडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इसमें मैटर करता है। ठीक है, तो कंटिन्यू टू द टॉपिक। तो मेन्यू बार के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, जहाँ पे आपको बैंकिंग का सेक्शन मिलेगा ये वाला, अब इस पर करना है क्लिक। तो बैंकिंग के सेक्शन में क्लिक करोगे तो सारे लोन सर्विसेज के बाद डिपॉजिट अकाउंट खुल जाएंगे। तो सीधा आपको अब यूज़ करना है अपना सर्च बार का सेक्शन, और
चाहो तो इसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से बैंकिंग सेक्शन में करोगे तो कैटेगरी अनेबल होने के बाद जो है उस लिमिटेड आर्टिकल्स को छांट लेता है। इसके बाद यहाँ पे आपको SBI या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट डाल के सिंपली सर्च कर देना है। इस कीवर्ड को डाल करके आप लोगों को सिंपली सर्च करना होगा। एक बात का खास ख्याल रहे कि SBI करंट डाल के सर्च करोगे, अगर रिजल्ट ना मिले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट डाल के भी सर्च कर लेना, आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट कैसे ओपन करें, कैसे ओपन अप्लाई करें। सिंपली रीड मोर के ऑप्शन या टेक्स्ट पर कर देना है क्लिक, आर्टिकल आपका वैसे भी खुल जाएगा। आर्टिकल के खुल जाने के बाद अब आपको क्या करना है, ये बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जिन भी लोगों को बहुत बेसिक बातें नहीं पता, जैसे कि मैंने कहा था कि जिनको भी छोटी छोटी बातों को जानना है तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, पहली चीज खत्म। दूसरी बात, यहाँ पे जिन भी लोगों को कोई भी डाउट है करंट अकाउंट के बारे में तो वो भी अपने क्लियर कर सकते हैं। लेकिन एक तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो कि कहीं लैंग्वेज बैरियर ना हो, मैं ये सोच रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश और हिंदी बोलने वाले ही लोग नहीं है देश में, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी जो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को बोलते हैं और मुझे रीच उन सब तक करना है, तो ऐसे में यहाँ पे बात आती है ट्रांसपेरेंसी लैंग्वेज की। तो कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं या फिर जो भी आर्टिकल्स पब्लिश है साइट पर, उसको आप अपनी खुद की लैंग्वेज में पढ़ सको। अगर आप ट्रांसलेशन में आकर देखोगे तो बहुत ऐसे ऐसे लैंग्वेज को भी मैंने एड ऑन किया है, या फिर गूगल के सर्विसेज काफ़ी अच्छे हैं कि वो खुद भी एड ऑन इस चीज़ को कर रहे हैं कि वहाँ पर आपको काफ़ी हद तक आपकी खुद की लैंग्वेज में चीज़ों को समझने का मौका मिलता है। अब तो खैर भोजपुरी जैसे लैंग्वेजेस रीजनल लैंग्वेजेस में आने लग गए, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, जहाँ पे आप लोग अपने लोन सर्विसेज या डिपॉजिट अकाउंट को कैसे खोल सकते हो, उसकी सर्विसेज को जान सकते हो। अब यहाँ पे एक और सवाल ये भी आ सकता है कि लोग कह रहे हैं कि भाई हमें तो पूरी इन्फॉर्मेशन पता है, तो हमें क्यों जाना है इस साइट पर, हम सीधा SBI के ऑफिशियल साइट पर भी जा सकते हो। बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपको लिंक भी तो चाहिए होगी जाने के लिए। तो अप्लाई नाउ का जो लिंक है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो सिंपली से अप्लाई नाउ के लिंक पर कर देना है क्लिक। लिंक पे क्लिक करोगे तो सीधा पहुंच जाओगे SBI.co के ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शन में, यानी SBI का ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ करंट अकाउंट ओपन कैसे करना है, हमेशा तरह सिंपल, पर्सनल पे ऑप्शन में क्लिक करना है, अकाउंट्स के सेक्शन में जाना है। नीचे काफी जाओगे तो यहाँ पे करंट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा और आपके सामने करंट अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कि फीचर्स में आपको लिखी गई, सबसे पहले तो नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग आज की डेट में सभी बैंक दे रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है। 50 चेक आपको हर महीने फ्री मिल जाएगी, या फिर हर महीने, सॉरी गलती कह रही मैंने, 50 चेक आपको पहले अकाउंट ओपनिंग पर फ्री मिलेगी। इसके अलावा 25,000 रुपये कैश आप पर डे डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है, ये फ्री है। इसके बाद आपको टैक्स देना पड़ सकता है। इसके अलावा टैक्स मतलब प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं, यहाँ पे वो है जैसे कि कुछ मतलब फी एक्स्ट्रा हो जाता है ना उसको अपलोड के। इसके बाद फ्री ट्रांसफर, यहाँ पे आपको अमाउंट जो है एक ब्रांच टू दूसरे ब्रांच का ऑप्शन मिल जाएगा। स्टेटमेंट अकाउंट इशू है जो उसका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, जो मंथली क्वार्टरली या हाफ ईयर या एनुअल इंटरवल्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक आपको AMB एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा करंट अकाउंट को चलाने के लिए, जो कि है 5,000 रुपया पर मंथ। ये आपके अकाउंट में ही रहेगा, लेकिन अगर ये कम हुआ तो आप पे पेनल्टीज लग सकती हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे इस अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल कौन कौन है, वैसे तो मैंने कहा था आप सभी लोगों को कि बिजनेस एंटिटी से जुड़े होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि सबके पास KYC डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और दूसरी बात सिंगली जॉइंट या एदर सर्वाइवर फॉर्मर और सर्वाइवर या कोई भी इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी पढ़ना आपको लोगों को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब सिंपली अकाउंट को ओपन कैसे करना है, तो यहाँ पे जो आपको अप्लाई नाउ की लिंक मिलती है, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। यह हमारा ऑनलाइन का भी सेगमेंट है, तो देख सकते हो कि फिलहाल यहाँ पे हमने ही इस ऑनलाइन वाले की पे क्लिक किया है और ये फिलहाल काम नहीं कर रहा है, जो कि कुछ इस तरीके का एरर है। मेरे हिसाब से मुझे पक्का लग रहा है कि कुछ ना कुछ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके ऊपर अपडेट्स कर रहा होगा, तो वैसे कभी कभी ही एरर आते हैं उनके, तो आई थिंक ये इस चीज़ के ऊपर काम चलेगा और जल्दी अपडेट हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो में भी कहा था कि अगर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता है तो हम सेकेंड ऑप्शन यानी कि करंट अकाउंट को एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू कैसे ओपन करना है इसके बारे में भी जानेंगे। तो बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो वैसे तो करंट अकाउंट को खोलने वाले हर किसी व्यक्ति का अपना अलग अलग नज़रिया होता है और अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे करंट अकाउंट का मैंने फिलहाल उठा लिया एप्लीकेशन फॉर्म, इसको भी आप ऑनलाइन ही पा सकते हो, मुझे खुद इनकी साइट भी मिली तो आप भी यहाँ से पा सकते हो, जो कि है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म करंट अकाउंट फॉर सोल प्रोपराइटरशिप कंसर्न। ये देखो कहीं ना कहीं सिंगली जॉइंट या फिर देखो सिंपल बात है, ये सारी चीज़ कनेक्टेड उससे हैं जो किसी न किसी के व्यापार से जुड़े हुए हो। अगर आप व्यापार से जुड़े हुए बंदे हो तो आपको अकाउंट खोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हालांकि दिक्कत इंडिविजुअल्स को भी नहीं होगी, लेकिन मेरे हिसाब से उस अकाउंट का आप कर भी क्या लोगे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में आपको पैसे रखने के फायदे भी मिलते हैं, इस अकाउंट में आपको एक पैसा मेंटेन करना पड़ेगा। और मे बी करंट अकाउंट का यूज़ वही लोग ज़्यादा करते हैं जो भी अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो पैसे की भी लेन देन ज़्यादा होती होगी, तो जाहिर सी बात है अकाउंट भी तो ऐसा चीज़ जिसमें अब बहुत ज़्यादा फास्ट चीज़ें हो सके, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा काफ़ी प्रेफर्ड है। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एग्जाम्पल के थ्रू है, आपको सोल या फिर प्रोपराइटरशिप या इंडिविजुअल या जॉइंट्स या सिंगली या फिर क्लब या एसोसिएशन या फिर कोई ना कोई टाइप के यहाँ पे जो है आपको करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म 4, उसके बाद आपको पता ही क्या लिखा हुआ है। तो ये चीज़ है। तो अकाउंट को ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स के तौर पर यहाँ पे KYC डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड के अलावा, एड्रेस प्रूफ के, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, पासपोर्ट के अलावा आपको बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स दिखाने ही पड़ेंगे। उसके लिए आपको सिंपली क्या चाहिए, जो भी आपका बिजनेस है या फिर जिस भी आप बिजनेस में ज्वाइंट एज हो या पार्टनर हो, कुछ भी हो, आपको बिजनेस का MOI शीट, पैन कार्ड,
उसकी फोटो कॉपी दे सकते हो, साथ ही में आपको बैंक स्टेटमेंट तो चाहिए ही होगा, और साथ ही में आईटीआर फाइल अगर आपने किया हुआ है पिछले 3 सालों का वो भी दिखा सकते हो, मार्जिन रिपोर्ट दिखा सकते हो, 1 साल में आपका कितना प्रॉफिट हुआ आपके बिजनेस में, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके बिजनेस को डिटरमाइन कर सके। एक उसमें से एक कह सकते हो कि एक आईडी या फिर एक सर्टिफिकेट की तरह होता है, इसको कहते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, वो रिपोर्ट आप दे सकते हो जिससे पता चल सके कि एक्चुअली में आपका बिजनेस स्थापित कब हुआ था, और उन सब चीज़ों को एड ऑन करके इसको सही तरीके से भर करके आपको सिंपली जमा कर देना है करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल ब्रांच में जाके, और मे भी आपका अकाउंट 24-48 आवर्स के पीछे खुल जाएगा। कोशिश करना 10 से 20,000 के बीच में इनिशियल डिपॉजिट भी कर दो, ताकि 5,000 रुपये तो आपका एवरेज मंथली बैलेंस हर महीने मेंटेन होता रहेगा, बाकी 15,000 से आप लेन देन शुरू कर सकते हो और एक ही दिन में ट्रांजेक्शन को भी ओपन कर सकते हो। तो यही है वीडियो के अंदर, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। और पहले बता दूँ, हमने ऑनलाइन तो शुरुआत में किया था, बट ऑनलाइन के कोई ना कोई एरर की वजह से ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई, तो हम लोगों ने ऑफलाइन पर खत्म किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो सुनने में कोई भी डाउट नहीं है। बाकी अगर आप लोगों ने लोन पाउ सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो।